घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। क्यू रिमिक्स को मंजूरी दे दी राजीव ने। क्यू रिमिक्स के खिलाफ है ऑडियंस। हेलो एंड वेलकम अगेन टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज गाइज, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म त्रिदेव 2 से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 90 के दशक का शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने मोहरा, गुप्त और विश्वात्मा जैसी फिल्में ना देखी हों। लेकिन हालांकि फिल्म के डायरेक्टर राजीव रॉय दर्शकों से लाइमलाइट से दूर थे। मोहरा के टिप टिप बरसा पानी को रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी के लिए अभी बनाया गया था। आपको बता दें कि फिल्म निर्माता ने यह कहा कि सामान्य रूप से रिमिक्स की अवधारणा के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने अपनी सहमति दी क्योंकि ये उद्योग के लिए एकजुट रहना और एक दूसरे का समर्थन करने का समय था। उन्होंने कहा, मैं रिमिक्स में विश्वास नहीं करता, मैंने इसे कभी नहीं किया है और ना ही करूंगा। इस बार मैंने एक अपवाद बनाया है, फैंस उन्हें कैमरे के पीछे वापस देखने के लिए काफी बेताब हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि सलमान खान किस तरह से त्रिदेव का रीमेक बनाना चाहते थे, इसको लेकर कुछ चर्चा थी। ऐसा लगता है कि अगर रीमेक किया जाएगा तो उसे राजीव राय ही करेंगे। मेकर्स ने कहा कि वो अपनी खुद की फिल्मों का रीमेक बनाने के पक्ष में नहीं थे, और अगर कुछ बरकरार रखा जाएगा तो ये सिर्फ शीर्षक होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने 90 के दशक के क्लासिक में हिट गाने के बजाय एक नए गाने भी लिए हैं। बता दें कि राजीव राय ने कहा कि उन्होंने ये सब सलमान खान को बताया और वो इस पर राजी हो गए। ऐसा लगता है कि वो एक नई स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और सुपरस्टार इसे लेकर काफी उत्साहित है। राजीव रॉय ने कहा कि मैं भी अपनी नई फिल्मों में अपने पुराने गानों के इस्तेमाल के लिए खिलाफ हूं, और मैंने ये बात सलमान को बताई और उसके लिए वो राजी हो गए हैं। मैंने उन्हें नई स्क्रिप्ट के बारे में बताया और वो इसके बारे में काफी उत्साहित भी थे। इस पर जल्द ही और पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वो सनी देओल की जगह कदम रखेंगे। ये वाकई काबिले तारीफ है कि कैसे राजीव रॉय हर पहलू में एक मूल फिल्म बनाने की योजना बना रही हैं। दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा रिमिक्स के कॉन्सेप्ट से नाराज है, चाहे वो फिल्म हो या फिर गाने। हमें उम्मीद है कि राजीव रॉय के साथ सलमान खान की फिल्म जल्द ही फ्लोर पर आ जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों कि ये फिल्म दर्शकों को कितनी पसंद आती है और क्रिटिक्स को कितना घुमाती है। आप लोग बन रहे हैं हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर